आपके सारे सेशंस में बहुत एंजॉय करती हूँ, सुभान अल्लाह। फातिमा, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक का सेशन आप कंडक्ट करें। मैं कैसे कर सकती हूँ उस्मान साहब, आपको पता तो है दैट आई एम नॉट दैट मच फ्लुएंट एंड आई स्टिल नीड टू वर्क। देखिए फातिमा, मैं समझता हूँ कि आप इतनी काबिल हैं कि ये जिम्मेदारी उठा सकती हैं। बिल्कुल परेशान मत, मेरे सामने एक दो सेशंस करेंगी, मैं मौजूद हूँगा। और बिल्कुल ना घबराएं, बोलना शुरू करेंगी खुद ब खुद फ्लो आ जाएगा। सच बोलने में कभी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ईमान से बोलें, खुद ब खुद अल्फाज आपका साथ देंगे, जुबान का साथ देंगे, दिल से बोलें। व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, गुड गुड, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। चलो इसका आंसर लिखो, ये जो मैंने बताया था 10। इससे नहीं, चलो अब बस बहुत होगी पढ़ाई बढ़ाई, अब आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ चलते हैं आइसक्रीम खाने। बेटा होमवर्क पढ़ा है, और नैन्सी तुम्हें आइसक्रीम का भूत कहाँ से चढ़ गया अचानक से? भाभी मैंने जॉन से प्रॉमिस किया था, चले ना आप भी हमारे साथ। कोई कहीं पे भी नहीं जा रहा, जॉन तुम्हारा होमवर्क पढ़ा है, आराम से होमवर्क करो। ओके कहाँ नहीं जाना, किस बात का शोर मचाया हुआ है? यार ये दोनों आइसक्रीम के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, जॉन का इतना होमवर्क पड़ा है और मुझे कहीं पे भी नहीं जाना, प्लीज। तो कोई बात नहीं, इंसिस्ट कर रहे हैं तो चली जाओ, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? भाभी प्लीज ना, चले ना। यार तुम लोग सारे एक जुबान क्यों हो जाते हो, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी, और तुम होमवर्क करो। जाओ चली जाओ, दोनों बार बार कह रहे हैं, जॉन भी खुश हो जाएगा थोड़ा, जाओ। चलो फिर जल्दी भी आना है वापस। चलें तो सही, वापसी आपकी हमारी मर्जी से होगी, चलें। उस्मान साहब आपने मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, मैं कैसे इसको उठाने के काबिल हूं? मैंने नहीं, अल्लाह के हुक्म से मेरे दिल में डाली गई है, और अभी से नहीं काफी अरसे से। लेकिन मैं कैसे किसी की रहनुमाई कर सकती हूँ, मुझे तो अभी तक खुद बहुत सी चीजों में इसलाह की जरूरत है। फातिमा इसलाह की तो हम सबको जरूरत है, ये सफर तो मरते दम तक जारी रहेगा। अल्लाह ने जो समझ बूझ आपको दी है, मेरे पास तो उसका 5% भी नहीं है। मैं कैसे आपकी जगह ले सकती हूँ? और मुझसे पहले आपके और भी बहुत से शागिर्द हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा इल्म रखते हैं, आप उनको क्यों नहीं? देखो फातिमा, इल्म तो शैतान के पास भी था, मगर वो उस पर अमल नहीं कर सका। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, चाहे 4 हर्फ सीखें लेकिन उस पर अमल तो करें। अगर अमल नहीं कर सकते, जो भी सीखा सिखाया है अगर वो हमारे काम नहीं आ रहा, किसी और के काम कैसे आएगा? और वैसे भी अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के लिए इल्म की नहीं जज्बे की जरूरत होती है, और दूसरों का दर्द महसूस करने की सलाहियत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस दौर में जहां अपने अपनों को मार रहे हैं, किसी गैर के भी दिल से निकले 2 हमदर्दी के बोल जिंदगी भर की गम की थकावट को मिटा सकते हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, इस काम के लिए वक्त निकालो। वक्त तो अब सारा ही अल्लाह ताला की राह में वक्फ है उस्मान साहब। नहीं ऐसा नहीं है, बैलेंस करो दीन और दुनिया में, और अगर दुनियावी मामलात दीन के मुताबिक किए जाएं तो ये अपने आप में एक इबादत है, अलग से खुद को थकाना नहीं पड़ता। सही फरमाया आपने। हाँ लेकिन शौहर से इजाजत लेना जरूरी है, तुम अम्मार से एक दफा डिस्कस कर लो, अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो बिस्मिल्लाह कर। वो एक्चुअली उस्मान साहब, अमार ने फिलहाल के लिए मुझसे स्पेस ले ली है, तो हम अभी अपने अपने घरों में रह रहे हैं। क्या कह रही हो, खुल के बताओ मुझे। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की, कहा भी था जल्दी आ जाना, और ये उस अमार के चक्कर में उस घर में जाके बैठ ही गई है, बहुत बेवकूफ है ये, अभी भी उससे उम्मीदें वाबस्ता किए हुए, क्यों अपना मुस्तकबिल बर्बाद करने पर तो लिए। खैर से इतने बड़े घर में शादी हो रही है, और ये कि इसके दिल से अमार की मोहब्बत ही नहीं निकलती। बार बार समझाया था कि जल्दी आओ, पता भी है कि मुझे दवाइयां खानी होती हैं, दवाइयों के लिए खाना खाना वक्त पे जरूरी,
सब जानते बूझते या अल्लाह खैर करना इस लड़की को हिदायत दे दे, मैं उसके बगैर कैसे खाना खा सकती। मेरे खुद बहुत माजरत, मैंने आप सबको यहाँ बेवक्त जहमत दी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। मुझे तो हैरत है इस बात पे कि डैड ने वसीयत क्यों लिखवाई। क्या उन्हें पता था कि उन्होंने दुनिया से इतनी जल्दी? नहीं बेटा, ये अभी की नहीं, विल तो जहांगीर साहब की डेथ से बहुत पहले की बनी हुई है। अंकल मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बाबा ने अपनी विल कैसे बनवा ली, उनको कैसे आइडिया था कि ही इज नॉट गोना बी एनी मोर विद अस। फिलहाल मैं अम्मार से दूर अपने घर में रह रही हूँ और कोशिश यही कर रही हूँ कि जल्द अज जल्द ये दूरी ख़त्म हो जाए। अल्लाह ने मुश्किल के साथ आसानी भी रखी है, तुम हिम्मत मत हारना, अल्लाह पे यकीन रखो और घर जाके इस मुश्किल वक्त में अपने शौहर का साथ दो, और जब भी नमाज पढ़ो तो अपने ससुराल, अपने शौहर के लिए, अपने घर के लिए दुआ मांगो कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ करे और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको दूर करे और तुम्हारे घर में फिर से रहमतें और बरकतें हों। उस्मान साहब, हमेशा आपकी बातें सुन के दिल को सुकून सा मिल जाता है। थैंक यू सो मच। और अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने करना क्या है। हर काम जो सब्र के साथ उसके अहकाम की मदद लेके किया जाएगा, बड़े बड़े मसले आसानी से ठीक हो जाते हैं अगर उसकी बरकत। क्या करूं मैं इस लड़की का? मुझसे जान छुड़वाने के लिए अपना फोन भी बंद कर दिया उसने। ठीक है, मैं मिसेस शमीम से बात करती हूं कि फौरी तौर पे शादी की तारीख तय करे। जी बताएं, आप क्या बताए थे? डैड ने क्या वसीयत में लिखा था और ऐसा क्या है कि इतना साल पहले उन्होंने लिख दिया और हम में से किसी को भी नहीं बताया? बताता हूँ, सब बताता हूँ। भाभी आप पहले फ़ोन सुन लें अगर ज़रूरी कॉल है तो। बहुत सारे डिस्टर्बेंस के लिए, आप अपनी बात जारी रखिए। जी तो मैं बता रहा था कि ये जो एमरजेंसी में मीटिंग कॉल की गई थी उसकी वजह ये थी कि एक तो मैं ऑलरेडी बहुत लेट था, दूसरा जहांगीर साहब ने कहा था कि मेरी वफ़ात के फ़ौरन बाद ये विल अमार और मायरा को पढ़कर सुना दी जाए, और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि मेरे एसोसिएट ने मुझे बताया कि शाम को जिया बेटी ने कॉल की थी। जिया नहीं, फातिमा, फातिमा नाम है उसका। सॉरी बेटा, लेकिन पुराने सारे डॉक्यूमेंट्स में जिया ही लिखा हुआ है, शायद मुकम्मल चेंजिंग नहीं हुई है इसीलिए बार बार ज़ुबान पर जिया आ जाता है। बहरहाल मैं बता रहा था कि मिस फातिमा ने मेरे एसोसिएट को कुछ पेपर्स बनवाने के लिए दिए थे जब मैं शहर से बाहर था। किस किस्म के पेपर, कैसे? अस्सलाम वालेकुम आंटी। बेटा नताशा खैरियत से? शाम से तुम लोगों के यहाँ आई हुई है। तो आप नताशा को कॉल करें। बेटा उसका नंबर बंद जा रहा है इसलिए तो तुम्हें तकलीफ दी है। तो आप किसी और को कॉल कर ले। मैं सबको फोन कर रही हूँ और कोई भी फोन नहीं उठा रहा, इतनी देर हो गई है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी प्लीज किसी से बात करवा दो, मेरी नताशा से बात करवा दो, किसी तरह से भी प्लीज। आंटी आप परेशान ना हो, आप रोए नहीं, मैं पता करवाती हूँ, मैं पता करके आपको जल्दी बता देती हूँ, ठीक है? आप बस परेशान ना हो। ठीक है बेटा, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके। नताशा बेटा फोन ऑन करो।
फातिमा बेटी ने अपने हिस्से के तमाम शेयर्स अमार के नाम कर दिए। ये कैसे हो सकता है? भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसी वजह से मुझे परेशानी थी कि मैंने जहांगीर साहब की वसीयत को काफी लेट कर दिया। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ फरहान, मुझे बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ पे हो? क्यों, क्या हुआ, सब खैरियत है? आंटी की कॉल आई थी, नताशा का नंबर ऑफ है। वो घर से ये कह के गई है कि वो जहांगीर अंकल की तरफ गई है। अब मैं घर में जिसको भी कॉल करी कोई मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा। आप परेशान ना हो, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर मिलके चलते हैं। पता नहीं फरहान क्या मसला है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप मुझे लोकेशन भेजे, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ ठीक है फरहान, मैं तुम्हें अपना पिन लोकेशन भेज देती हूँ, काइंडली वहां पे आ जाओ जल्दी से। ओके। हाँ तो अब मैं ये खत पढ़ता हूँ जो उन्होंने अमार के नाम लिखा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में ही मुझे वसीयत की थी कि मैं पढ़कर सुना सकता हूँ। अमार बेटा, मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था तब मेरे पास कुछ नहीं था। ये सारा बिजनेस, ये एम्पायर जो आज खड़ा है, इसकी पाई पाई जिया के वालिद फैंग की है। मुझे दोस्त होने के नाते और भाई कहते हुए उसने अपना सब कुछ मेरे हवाले कर रखा था। लेकिन सच तो यह है कि ना ही मैं और ना ही मेरी औलाद कोई भी इस शेयर का हकदार नहीं। ये सारा बिजनेस बिला शराकत मेरे फैंग का है और फैंग के बाद उसकी बेटी जिया का। इस पैसे पे सिर्फ और सिर्फ जिया का हक है। मैं यतीम को उसका हक देकर आराम से मरना चाहता हूँ, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। लेकिन अगर मुझे जिंदगी ने इतनी मोहलत ना दी तो वादा करो बेटा, तुम ये काम जरूर करोगे और पूरे इंसाफ से करोगे, ताकि मरने के बाद मेरी रूह पे कोई बोझ ना रहे। आंटी, नताशा किडनैप हो गई है। ओह माय गॉड, ये सब क्या कह रही हो? जी ठीक कह रही हैं आंटी, मेरे दोस्त ने बताया कि उसने नताशा को शाम में किसी गाड़ी में जाते हुए देखा। वो समझा शायद अमार के साथ जा रही है, तो इसलिए नोट नहीं किया। गाड़ी का नंबर नोट किया था? जी बिल्कुल किया था। चलें फिर तो ट्रेस हो जाएगी गाड़ी। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था? जी अंकल, पुलिस को भी इतला कर दी थी और मैंने FIR भी लॉन्च करवा दिया। आप परेशान ना हो, पुलिस जल्द ढूंढ लेगी उन्हें। भाभी मैं इजाजत चाहूंगा। बेटा ये आपकी अमानत है। अब भाभी मैं सायमा आंटी को यहीं पे ले आता हूँ, क्योंकि बाद में पुलिस स्टेशन वगैरह भी जाना पड़ेगा। फरहान भाई मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं आप प्लीज रुक जाएं, हमार तुम चलो साथ। मैं क्यों जाऊंगा, तुम चले जाओ, मैं जाए क्या करूंगा मॉम? अमार ये मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं। भाभी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको उनके किए की सजा मिल रही है और कुछ नहीं। अमार मायरा उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन हम क्या कर रहे? वो दोनों हमसे खुद से रिश्ता खत्म करके गई थी ना। उनके पास हमारे अलावा और कौन है? अगर आज जहांगीर अंकल होते तो क्या वो इस वक्त उनको तन्हा छोड़ते? वो यही करते जो आज तुम लोग कर रहे हो। फातिमा बिल्कुल सही कह रही है, इसीलिए तो जहांगीर इसको इतना पसंद करते थे, इसकी सोच को इतना पसंद करते थे। सही कह रही है मायरा, इस वक्त उनको हमारी ज़रूरत है। वो अगर मिलना भी ना चाहे इस वक्त ना, हमें मिलना है उनसे। जब सब ठीक हो जाए ना तो तब हम उनको उनकी मर्जी पर छोड़ देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वी हैव टू डू समथिंग। मामा आप ही इनको कुछ समझाए, मैं जब तक सायमा आंटी को लेके आती हूँ। ठीक है चलो फिर। हाँ तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए।
आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। थैंक यू मिस फातिमा, आप जैसे जिम्मेदार शहरियों की वजह से पुलिस अपना काम आसानी से कर पाती है। बहरहाल आप फिक्र ना करें, हमने अपनी टीम तश्कील दे दी है, इंशाल्लाह जल्द पता चल जाएगा। सर अगर गाड़ी की नंबर प्लेट जाली लगी हुई तो फिर वक्त लग सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा सर? उस सूरत में भी कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, आप परेशान ना हो। शहर भर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी हमें बहुत जल्दी मिल जाएंगी और गाड़ी के मालिक की डिटेल भी बहुत जल्दी आ जाएगी। बस मुझे नताशा की वालदा का बयान लेना है। जी जी एस एच ओ साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वी रियली नीड टाइम टू काम हर डाउन एंड प्रिपेयर हर। यस आई कैन अंडरस्टैंड, टेक योर टाइम मैम। थैंक यू सर, आई विल लेट यू नो वंस आई एम बैक होम। अली इस तरह करो कि एक और टीम को तश्कील दो और फौरन जाके मुझे इंफॉर्मेशन दो। जाओ सर। आंटी आप ठीक है ना? फातिमा मेरी नताशा कहाँ है? मेरी आंटी नताशा वहां पे नहीं है। वहां नहीं है तो कहाँ चली गई? नताशा गई थी वहां पे, लेकिन आंटी ने बताया कि वो वहां से जल्दी चले गई है। वो घर तो वापस नहीं आई, तो फिर कहाँ चली गई? आंटी आप हिम्मत रखे, नताशा जहाँ भी हो बस वो खैरियत से हो। आंटी आप प्लीज थोड़ा हौसला रखे, हम पुलिस के साथ मिलकर सब उसे ढूंढ रहे हैं। आंटी आप हिम्मत रखें, अगर आप ऐसे करेंगी तो हम कैसे ढूंढेंगे नताशा को? मिल जाएगी ना मेरी नताशा। आंटी आप परेशान ना हो, मिलेगी नताशा। अभी एसएचओ साहब ने आपका बयान भी लेना है और उसके लिए हमें देर हो रही है। चले प्लीज बेटा मेरी नताशा को ढूंढना। प्लीज परेशान ना हो, अल्लाह पे यकीन रखे नताशा आई एम श्योर जहाँ भी होगी वो ठीक होगी। आप आए मेरे साथ चलें। आए आप अकेली नहीं है, हम आपके साथ है, चले। नैंसी इतना अंधेरा क्यों है? सारी लाइट्स क्यों ऑफ है घर की? पता नहीं भाभी, पता नहीं घर में अंधेरा क्यों है। ओह माय गॉड, हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू बेटा, लेकिन तुम लोग तो मेरे साथ थे तो ये अरेंजमेंट किसने किया? गेस करें। किसी अच्छे काम को करने के लिए लोगों की नहीं, अच्छी नीयत, खलूस और मोहब्बत की जरूरत होती है। हैप्पी एनिवर्सरी अफशा। थैंक यू फर्नांडिस, दिस मींस अ लॉट टू मी। ये तो बस अभी शुरुआत है हमारे आने वाले कल की और बहुत सारी खुशियों की। आओ केक काटें। नताशा की किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? नहीं सर, वो तो मासूम सी बच्ची है, उसका किसी से क्या झगड़ा क्या दुश्मनी। हो जाती है, आजकल दुश्मनी करना बहुत आसान काम है। इतनी जल्दी हम दोस्त नहीं बनाते जितनी जल्दी हम दुश्मन बन जाते हैं। बहरहाल आप याद करें कि किन नए लोगों के साथ नताशा की मुलाकात रही इन आखिरी दिनों में? ऐसा कोई खास तो उसका किसी से कोई मिलना जुलना नहीं था। एक्सक्यूज मी माजी, मैं एक कॉल सुन के आता हूँ, आप आए मेरे साथ। आंटी प्लीज आप परेशान ना हो, हम सब मिलके देख रहे हैं ना, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी नताशा। आंटी मुझे कुछ याद आया है। बेटा पर आंटी मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आपकी या किसी की भी बेइज्जती हो, लेकिन हमें पुलिस से सच बोलना चाहिए ना कि आखिरी दिनों में नताशा किससे मिली, किधर किधर गई। और मुझे तो यही याद आ रहा है कि नताशा तो आमिल बाबा के पास जाती थी ना अम्मार के लिए।
देखिए आंटी, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस तरह एम्बेरस्ड फील करें या कुछ भी, लेकिन मेरा बस यही पॉइंट है कि हमें पुलिस को सब कुछ सच सच बोल देना चाहिए ना, ताकि उनको मदद हो, उनको हेल्प होगी नताशा को ढूंढने में, रिकवर करने में। सो प्लीज़ आंटी, आपको कुछ भी अगर याद है, कुछ भी पता है तो आप शेयर कर दें। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ याद आया है। जी जी बताइए। कुछ दिनों से नताशा एक पुराने किले में जाती थी। वहाँ वो किससे मिलने जाती थी? किसी आमिल बाबा से मिलने। पर किस लिए? पता नहीं, शायद बिलाल का इस्तखारा कराने के लिए जाती थी। ये बिलाल कौन है? नताशा का मंगेतर। सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू माँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। वो नाम क्या है उस बाबे का? नाम तो पता नहीं, बस आमिल बाबा के नाम से मशहूर है। सर ये वही बाबा है सर जिसके केबल पे इश्तारात चलते हैं, वो जो काले जादू का भी मायर है और दो दिन में महबूब आपके कदमों में। बस चुप। अली, आप ऐसे करो कि टीम को तश्कील दो और फौरन जाके उसे उठा के लाओ। सर फौरन जाओ। सर प्लीज, जो भी करना है जल्दी करें। आपको पता है वो सुबह से निकली हुई है, पता नहीं किस हाल में होगी। चलो। ये कौन सा तरीका है हम जैसे शरीफ इंसानों को इस तरह थाने में बुलाने का? आवाज धीमी रखो, धीमी रखो आवाज। ऐसे चोर साहब सामने बैठे, गौर से देखें इसे। क्या ये वही बाबा है जिसके पास नताशा जाती थी? जी वही है। अब बताओ बाबा जी शराफत से कि नताशा कहाँ है? जी मुझे क्या पता नताशा कहाँ है। ट्रैप हो चुकी है नताशा। ज्यादा मतलब समझाने की कोशिश की ना तो हवालात में रख के समझाऊंगा तुम्हें, समझे? अब बताओ नताशा कहाँ है। साहब जी मुझे क्या पता नताशा किधर है, मेरे पास वो सिर्फ तावीज लेने आती थी किसी अमार नाम के लड़के के लिए। क्या अमार के लिए? उससे शादी करना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो उसको तलाक दे अपनी बीवी को और उससे शादी कर ले। मुझे क्या पता कहाँ गई, काफी दिनों से वो आ ही नहीं रही थी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती मियां बीवी में तलाके करवाते हो? खुदा का खौफ है तुम लोगों को या नहीं? बेशर्मो। सर अगर इजाजत देते हैं तो मैं जरा इसको ड्राइंग रूम की सैर ना करवा लूं। सर ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, इतने कुश्ते खिलाओ ना, जब इसका दिमाग काम करने शुरू हो जाएगा तो ये खुद बताएगा कि कौन कहां है। ले जाओ इसे। चल ना, चल। आप देखिए ऐसा नहीं चल साहब। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। आंटी ऐसे रोने से मुश्किल हल तो नहीं होगी ना, आप बस दुआ करें नताशा मिल जाएगी। सामा ये बच्ची बिल्कुल सही कह रही है, तुम इस तरह रोने से बेहतर है कि तुम बस अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह पे अपना ईमान मजबूत रखे आंटी, नताशा को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह सुबह तक हमें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा उसके बारे में। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे बेटा, खुदा करे कैसे भी। आंटी आपको अंदाजा है कि नताशा घर से कितने बजे निकली थी? ये कोई 3:30 बजे। और सिमी आंटी यहाँ पे कब पहुंची थी? यहाँ 4 बजे के करीब आई होगी। और यहाँ से किस टाइम गई थी? पता है यहाँ बस आधा घंटा रुकी है। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम एसएचओ साहब। क्या? ओके थैंक यू सो मच। क्या हुआ? मेरी नताशा का कुछ पता चला? नताशा की गाड़ी का पता चल गया है, और जिस गाड़ी ने नताशा को किडनैप किया है वो भी सुबह तक हमें पता चल जाएगा। ये तो
बहुत सच्ची बात होगी। मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मुझे खुदा ने इतनी अच्छी बहू दे दी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? सब ठीक है? देखो, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुम्हारी कदर नहीं कर सका, लेकिन मैं तुमसे ये चाहूंगा कि बस मुझे माफ कर दो। फर्नांडिस, तुम जानते हो कि हमने कितनी मोहब्बत से ये रिश्ता बनाया था। बस दुख इसी बात का है कि हम भी रहे, रिश्ता भी रहा, लेकिन मोहब्बत पता नहीं कहाँ चली गई। खैर, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। सारी खुशखबरियां आज ही दे दोगे तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, कुछ कल के लिए भी बचा दो। अब ये सिर्फ खुशियों का ही वक्त है। मुझे मिस फातिमा ने ऑफिस बुलाया था। क्यों, मैम ने तुम्हें ऑफिस क्यों बुलाया? क्योंकि उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की है, और वो भी साइड विजिट वर्कर के लिए, और सैलरी पैकेज तो तुम्हारे मंथली पैकेज से पूरे 15,000 रुपए ज्यादा। आर यू सीरियस? तुम सच कह रहे हो? यस, और तो और अब हम ऑफिस भी साथ जाया करेंगे। मैम ने पता नहीं मुझे क्यों नहीं बताया। तुम सोच नहीं सकते फर्नांडिस, मैं कितनी खुश हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यू नो, तुम्हारे साथ की वजह से ही मैं इस जगह पर पहुंच पाया हूं। आई एम सो हैप्पी कि जिस फर्नांडिस से मैंने प्यार किया था वो वापस आ गया, और उस फर्नांडिस को वापस लाने में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। थैंक यू सो मच अफशा, मुझे बर्दाश्त करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। मायरा बेटा, स्क्रैम्बल्ड एग्स खाने हैं आज? नहीं मामा, आई एम गुड। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। अमार भी उठ गया? नहीं, वो अभी तक नहीं उठा। और मायरा, रेडी फॉर योर बिग डे? यस आई एम। आपका ऑर्डर था, कहाँ डाल सकती थी मैं। गुड गर्ल। और सुनो, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो, आई एम जस्ट वन कॉल अवे। और राहील भी आज से तुम्हें ज्वाइन कर रहा है। अमार को भी कह दो कि आज से ऑफिस जाना शुरू कर दे। तुम्हारी बात नहीं हुई अमार से? एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम फातिमा।
कैसी हो? घर पर हो? जी मैं अपने घर में हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो। बस अपनी नई जिम्मेदारियां ना भूल जाना। कहीं ऐसा ना हो कि अपने घर और शादीशुदा जिंदगी में मगन हो के तुम उन जिम्मेदारियों को भूल जाओ जो अल्लाह की मखलूक के लिए तुमने निभानी है। अल्लाह ने चाहा तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। आज तुम्हारी जिंदगी का नया आगाज है ना? एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आज तुम्हारा पहला दिन है। याद है ना यूनिवर्सिटी के सेमिनार में तुमने स्पीच के लिए जाना है? जी जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ उस्मान साहब, बस आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी मदद करे कि मैं उनके मखलूक के लिए फायदेमंद साबित हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे होगा। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पे पूरा एतमाद है। तुम्हें आखिर कुछ तो है ना जो अल्लाह ने तुम्हें अपने काम के लिए चुना है। सो बेस्ट ऑफ लक मिस फातिमा फैन। अब फिर मैं लेक्चर तुम्हारा यूट्यूब पे देख लूंगा, है ना? आपकी तो आज फ्लाइट थी ना? हाँ अभी 3-4 घंटे हैं फ्लाइट में। ओके, ख्याल से जाए। हैव अ सेफ फ्लाइट। थैंक यू। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुश रहो, आबाद रहो। खुदा हाफिज़। कौन था बेटा? उस्मान साहब मेरे मेंटर जो थे, आपको बताया था। ये रहो, तुम भी नाश्ता करके जाना। हाँ जरूर। तुम इतने बड़े तूफान से गुजर गई और मैं वहां मौजूद नहीं था। इस चीज का मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा कि मैं आखिरी बार सर जहांगीर को देख नहीं सका। बाबा के जाने का दुख तो है और हमेशा ही रहेगा, लेकिन आपको पता है किस बात ने मुझे सबसे ज्यादा अकेला फील कराया? आपके ना होने ने। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी आप तभी मेरे साथ नहीं थे। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत भी होगी। आपको पता भी होता तो आप क्या कर लेते? पता होता तो चीजें शायद मुख्तलिफ होती। मैं यूं फरार ना होता, सब कुछ सेट होता। तो क्या अब ये सब कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन लेकिन क्या? I don't want to make any commitment before time. मायरा बात बहुत आगे की है, फ्यूचर की। किसका फ्यूचर? मेरा या आपका? हमारा, हम दोनों का। मायरा बहुत सारी बातें अनकही होती हैं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं दूसरों की आंखों में। मैं भी पढ़ चुका हूँ, तुम बस तसल्ली रखो, मैं तुम्हारे जज्बात से वाकिफ हूँ। तो फिर किस बात का इंतजार है राहिल? मायरा मैं भी वो सब महसूस करता हूँ जो तुम महसूस करती हो, लेकिन अभी इजहार नहीं करना चाहता। मैं वक्त के सहारे पे चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ। फिलहाल ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है मायरा, जिसको निभाने का वादा तुम फातिमा से कर चुकी हो, तो मैं चाहूँगा कि तुम सिर्फ उस पर फोकस करो। आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? मैं हर जगह तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। सच में? तो आज हमारा टॉपिक है इंसानी कदर, इंसान की कदर करना। कदर क्या चीज़ होती है? कदर तो किसी चीज़ की भी हो सकती है। कदर हमारी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी भी हम कदर करते हैं। तो वैसे ही हमारे रिश्तों की कदर, जैसे हमारे माँ बाप है, हमारे बहन भाई है, तो हम जब वो ज़िंदा है हम उस टाइम पे उनकी कदर करें। जब वो चले जाते तो वो कहते कि काश ये बंदा नहीं जाता, काश ये मेरे साथ रहता। हम उनकी ज़िंदगी में उनको कभी भी नहीं बता सकते कि हम उनसे कितना प्यार और उनकी कितनी कदर करते हैं। जैसे ही हमारे प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमें उनकी कदर होना शुरू हो जाती है कि यार वो बंदा तो अच्छा था। इसी तरह हम नफ़रतों का इजहार करने में कभी देर नहीं लगाते, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। हमें बहुत लड़ना पड़ता है अपने आप के साथ कि हम उस प्यार को एक्सप्रेस कर सकें। हम कभी भी मोहब्बत खुल के जता नहीं पाते,
लेकिन नफरत हम एक लम्हा भी नहीं लगाते उस नफरत को एक्सप्रेस करने में, उस नफरत को बताने में कि मुझे तुमने कितनी तकलीफ दी है, मुझे कितना दुख दिया है तुमने। ये हमारा ईगो है, और जो लोग अपने ईगो का साथ देते हैं वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। Alright, listeners, once again, welcome back to our live broadcast. हम आपके साथ एक बार फिर से मौजूद हैं और आपको लिए चलते हैं NMS University, जहां पर हमारी मोटिवेशनल स्पीकर मिस फातिमा फेंग कर रही हैं सेमिनार से खिताब। तो आइए चलते हैं। मैं कहती हूँ बात करें, नाराज हो तब भी बात करें, चुप रहना कोई हल नहीं है। ये चुप ही हमारी खुशी की कातिल है। बात करनी चाहिए ताकि मसाइल का हल निकले। हम यूं ही खामोशी से सब दिल में दबाए दुनिया से चले जाते, तब लोगों को हमारे मरने के बाद पता चलता है कि हम दर हकीकत बुरे नहीं थे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।